हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और सभी लोगों को मेरा पहला प्रणाम और छोटू को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। मेरा ब्लॉग पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी ब्लॉग स्टार्टिंग में कर रही हूँ 10 बजे से, मॉर्निंग से। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर, अपने घर से ऊपर आई हूँ। और आज मेरी बहन आ रही है, तो मैं अपनी बहन को लेने जा रही हूँ। अभी वो पहुँच गई है देवीदुरा, तो वो भी आ रही है अपने बच्चे को लेके। बोलती दीदी आप लोग आए हो तो मैं भी आती हूँ एक आध हफ्ते, और अच्छा भी लगता है बहनों बहनों में। तो दोस्तों मैं अभी लेने जा रही हूँ, अभी मैं चढ़ाई में चढ़ रही हूँ, क्योंकि घर तो हमारा है नीचे और यहाँ पूरा इस साइड को जंगल है। मैं आपको जंगल भी दिखाती हूँ। तो यहाँ को है हमारा जंगल, यहीं से हम वो पिरोल भी लाते थे, लकड़ी भी काटते थे, और क्या कहते हैं बांझ भी काटते थे। तो हम दूर दूर तक जंगल जाते थे पहले शादी से आगे। तो जंगल से हम सारा घास घास लेके आते थे, और बैल हैल भी जंगल ही ले जाते थे चराने के लिए। तो ये पूरा जंगल ही है, यहाँ सब लोग जाते हैं घास घास काटने के लिए। ये पूरा यहाँ ज़्यादा चीड़ के पेड़ ही हैं। पिरोल भी बहुत गिरता है यहाँ पर आजकल, बट कम गिरता है, जैसे बहुत ज़्यादा पिरोल गिरता है। तो बहुत बड़ा जंगल है, जो ओ लास्ट धार जैसे दिख रहा है। तो उससे भी उधर को जाते थे हम, उस टाइम मज़ा भी आता था, बहुत लोग जाते थे साथ में भी, मजाक करते करते जाते थे, हंसते हंसते, तो अच्छे भी लगता था। लकड़ी भी वहीं से लाते थे हम, पिरोल हिरोल बांझा सब वहीं से काटते थे। तो पहले मैं बहुत बड़ा पेड़ में जाती थी बांझा काटने के लिए, तो बहुत बड़े पेड़ होते थे उनमें जाती थी मैं। सब लोग डर जाते थे, बोलते बाप रे कितने बड़े पेड़ में जा रही है, कहीं गिरेगी। तो उस टाइम अच्छा भी लगता था, और पेड़ में मैं चढ़ भी लेती थी। तो अब नहीं चढ़ रहा था। और इस साइड को भी है जंगल भी, इस साइड को अब पत्थर की चिनाई कर दी, क्योंकि यहाँ पे घेर लिया है भैया लोगों ने। तो यहाँ से घास घास काटते हैं वो लोग, सब पत्थर की चिनाई हो गई यहाँ पे। और नीचे को सब हमारा ही है, वो वहाँ पे जो गेट जैसे दिख रहा है उससे सब उधर को हमारा ही है, और ऊपर को तो जंगल ही है, तो गाय बच्चे आती हैं। तो मैंने दिखा दिया यहाँ का जंगल। तो हम कहाँ कहाँ जाते थे, बहुत दूर दूर तक जंगल जाते थे, और अच्छा भी लगता था। तो अब शादी के बाद तो खैर कहाँ, एक आध हफ्ते के लिए आते हैं तो कहाँ जंगल कहाँ क्या, तो कहीं नहीं जा पाते हैं, घर में ही रहते हैं। तो ऐसे ही घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, अच्छा भी लगता है पहाड़। तो अभी तो हम अपने घर गए, तो इतनी जगह घूम रही हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। और वहाँ लालको में तो बाहर जाने का मिलता ही नहीं है, कहाँ जाया जाता है, गर्मी भी होती है, तो ज़्यादा लोग वहाँ बाहर नहीं निकलते। जैसे मार्केट जाना आना होता है तो शायद जाते हैं, जैसे घूमने जाते हैं कहीं जाना ही पड़ता है। तो बट अभी तो मैं अपनी बहन को लेने जा रही हूँ, क्योंकि बहन पहुँचने वाली है। तो मम्मी लोग घास घास काटते थे, मम्मी ने कहा कि तू ले आ अपनी बहन को। तो मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, तो अभी मैं चढ़ाई में चढ़ ली हूँ। ये देखो भी कहाँ जाना है, ऊपर वो ऊपर जाना है वहाँ पे रोड में, क्योंकि हमारा घर रोड से नीचे है, 1-2 किलोमीटर दूर हो गई, काफ़ी है फिर भी, क्योंकि चढ़ाई भी है और नीचाई भी है। पहले तो हम सामान वामान सब साथ थे सर में, तो उस टाइम तो बहुत आदत बनी थी, अब थोड़ी थोड़ी आदत छूट जैसी गई, फिर भी ले जाते हैं। तो उस टाइम तो हम डेली सामान साथ थे, तो आदत बनी रहती थी, उतना नहीं मानते थे। अब थोड़ी आदत छूट गई तो थोड़ा अजीब सा लगता है, थकान जैसी हो जाती है। तो दोस्तों भी जा रहे हो, तो मैं जा रही चढ़ाई में, आधे रास्ते में तो पहुंच गई मैं, आधा भी और है ही। ये देखो लिस, ये देखो आजकल नहीं हो रखा लिस। पहले शादी से आगे हम क्या खेलते थे, पेड़ में चढ़ते भी थे, लकड़ी हकड़ी भी काटते थे, तो इसमें हो रखा है लिस। ये देखो हो रखा नहीं हो रखा इसमें, तो सूखा पड़ा है आजकल, नहीं निकाला सही। ये देखो पहले हम कभी कभी शादी से आगे फिर हीरो बटोने आते थे, लिस का गमल गिरा देते थे, पूरा लिस गिर जाता था। अभी लंगूर भी देखे मैंने, ओ लंगूर भी देख रहा, देखो पेड़ से देखो देख रहा मुझे, कहीं मेरा फोन ही छीन के ना ले जाए। ये देखो ऊपर टुकटी में चढ़ा है देखो। पर यहाँ के बंदर और लंगूर बहुत डरखूब होते हैं, यहाँ डर जाते हैं, पर शहरों में बिल्कुल भी नहीं डरते। वो छत में गेहूँ डालते हैं या कुछ भी डालते तो बिल्कुल डरते नहीं है, भगाते तो काटने के लिए आते हैं, बहुत निडर होते हैं वहाँ के बंदर। यहाँ तो डरते हैं बहुत, नहीं आते हैं, तो अगर दूर से देखते तो भागने लग जाते, पेड़ में चढ़ जाते। ये है काफल का पेड़, तो इसमें काफिल हो रखे हैं थोड़े थोड़े, और
बंदरों ने भी खा रखे ज़्यादा वाफल, और आधी तूफान आता तो सब झड़ जाते हैं। ओ सामने कितना बड़ा जंगल है। तो हम बीच गांव में नहीं रहते हैं, जंगल के किनारे पे हमारा घर, तो घर से थोड़ा सा पीछे से हमारा जंगल लग जाता है। पूरा दूर नहीं है जंगल, हमारा जंगल बहुत पास में है क्योंकि हम जंगल के किनारे पे घर है हमारा। यहाँ ज़्यादातर एक चीड़ के पेड़ होते हैं, इतने बड़े चीड़ के पहले, जैसे ये चीड़ का पेड़ है तो इसमें चढ़ के हम ये लकड़ी गाड़ते थे, कच्ची लकड़ी बनाते थे। ये तो फिर भी चढ़ने वाला काम है, जो जो टुक्की में होता था उसमें भी चढ़ जाते थे बंदर की तरह। पहले बहुत पेड़ चढ़ते थे, अभी ऊपर जाना है वहाँ टॉप में। रोड तो नीचे आ रही है पर बाइक हैक तो लाते हैं जो लाने वाला होता है, तो गाड़ी नहीं आती है वहाँ, कच्ची रोड है अभी। ओ वहाँ से आ गई मैं, नीचे से आ गई हूँ। दगड़ियों पहाड़ में तो ये कतु भल मौसम आ रहा है, कतु सुहाना सुहाना मौसम आ रहा है, बढ़िया लग रहा पहाड़ में। आजकल तो सब लोगों को छुट्टी है, नंतु ने छुट्टी तो सब लोग आ रहने वाले हमारे संग वाले, पर मुलाकात न होने, सब बिजी छे आजकल का लोग काम हम में, कहे कि टाइम न मिलना। ये देखो सब काफल के पेड़ ही हैं, पर अभी काफल नहीं हो रखे उसमें, तो हो रखे हैं अभी फिर भी। तो यहाँ को भी आते थे हम बांझ हाँज काटने के लिए। ओ जितना दूर भी सारा जंगल दिखाई दे रहा हो वहाँ तक हम पूरा जाते थे, काफल तोड़ने भी जाते थे हम पहले साथ में बहुत लोग, क्योंकि बच्चे लोग रोड में काफल बेच रहे हैं, चिल्ला रहे काफल ले लो काफल, आवाज़ आ रही है यहीं तक की। छोटा काफल का पेड़ मिला रास्ते में, पर इसमें कोई कोई काफल हो रहे, देखो आधे तो झड़ जाते हैं, थोड़े बंदर खा लेते हैं क्योंकि ये रास्ते में पेड़ है तो आने जाने वाले भी खा लेते हैं। ये देखो एक ही दाने मिला, ये फिर भी कोई कोई हो ही रहे हैं। ऊपर को देखो मैंने इतने काफल तोड़ दिया, तो मैं चढ़ गई पेड़ में। ये देखो नीचे छोटा छोटा पेड़ है, इसमें चढ़ी हूँ मैं, ये मैंने उठाए काफल। और हैं कोई कोई दिखते हैं पर ज़्यादा नहीं है, खट्टे भी हो रहे हैं। छोटा सा पेड़ है इसमें चढ़ी हूँ मैं, मस्त हवा भी आ रही पेड़ से। ये देखो छोटा छोटा पेड़ है, इसमें गई टुक्की को हो रहे पर काफल, नीचे को सब खा रखा है। टुक्की में चढ़ती हूँ, दिख भी नहीं रहे काफल, ये दिख रहे एक दो दाने यहाँ पे लगे हैं, वो भी हाथ से झड़ जा रहे हैं। ये डर भी लग रही है कहीं काफल तोड़ते तोड़ते कहीं कि हवा भी चल रही है। ये देख इतने काफल तोड़ दिए मैंने, दिखाई नहीं दे रहा। हाथी नहीं पहुंचेगा वहां तो काफल हो रहे हैं, अब यहाँ हाथी पहुंचा तो यहाँ काफल हो रहे हैं, जहाँ हाथ पहुंचता है वहां सारे काफल खा रखे हैं। तो मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए पेड़ में बैठ जाती हूँ, हवा भी चल रही है, तो यहाँ पे 2 मिनट में करती हूँ रेस्ट। जो यहाँ पे मैंने किया रेस्ट पेड़ में, अब मैं बैठ गई पेड़ में बैठ गई हूँ। ये देखो अब मैं यहाँ पे खाती हूँ काफल, ये देखो पेड़ में से उतर गई हूँ, तो अब मैं पहुँचने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच गई रोड में, अभी बहन नहीं आई है, मैं बैठी हूँ यहाँ पे रोड में आ चुकी हूँ, क्योंकि अभी बहन नहीं आई है, यहाँ पे छाया भी हो रही है। तो मैं ऊपर रोड से अपना घर दिखाती हूँ, नीचे हमारे घर, क्योंकि चीड़ का पेड़ लग जा रहा है। और उतनी दूर से आई मैं, नीचे से लेके ऊपर रोड में आई हूँ, और वहाँ सामने इतने सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव।
बहुत सारे गांव वहाँ। ओ सामने भीड़ा पानी, नरतोला, खुजेटी, पतलिया, अड़ीमा, बहुत सारे गांव, पता नहीं कौन कौन से गांव हैं। ऊपर से टॉप से दिखते हैं सारे गांव यहाँ से। ये देखो हमारा घर भी दिख रहा है। ये देखो सामने बहुत सारे गांव हैं, पता नहीं कौन कौन से गांव। आ गई है ममता। ये चुन्नू मुन्नू जैसा, ये देखो ये हेलो बोलते हेलो। तो हम रोड से नीचे को चले गए हैं, अभी बैनी को थोड़ा घुमार भी हो रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे को। ये हमारा घर जाने का रास्ता है, सीधे नीचे को जाते हैं हम इससे। और ये आ रही है, घुमार भी लगा बेचारी को, भाव भी मेरे पास नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बैग ले जा रही हूँ। परेशान बाय कर दे कर दे। अरे परेशान दी भी बात नहीं कर रहा है, शर्मा रहा है। तो हम जा रहे हैं दोस्तों, अब घर को हम नीचे में जा रहे हैं, तो आपको मिलेंगे हम घर जाके, क्योंकि यहाँ पिरोल भी गिरा है, फिसलने का भी डर है, कहीं फिसलेंगे तो सीधे नीचे गधेरे में मिलेंगे। ये देखो नीचे में कैसे चट्टान है, देखो कहीं थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया तो सीधे गधेरे में जाके मिलेंगे, इसलिए आपको हम घर मिलेंगे। अभी बैग भी है, भारी भी हो रहा है, और बहन के बाहर बच्चा भी है। ये